हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का। मेरी चैनल डेली जॉब अपडेट में आपका सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने वैकेंसी लेकर आए जो कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जो कि नासिक रोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकल लेकर आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे उन्होंने 15 से भी ज़्यादा पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकले है। तो दोस्तों, हम पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, किस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कैसे क्या यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा, सभी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूले, ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन आपके लिए लाते हैं उसका नोटिफिकेशन वो मिस ना हो पाए, इसलिए बेल आइकन ऑन करना ना भूले, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे क्या अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं भारत सिक्योरिटी प्रेस यानी भारत प्रतिनिधि मुद्रांक नासिक रोड, ठीक है। तो यहाँ पे इनका वैकेंसी का देखा, करियर में जाएंगे, गेंद करियर में जाने के बाद आप देख सकते हैं ये पॉपअप हुआ है, ये क्लोज करिए, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर वेलफेयर ऑफिसर एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए उन्होंने जगह निकाले। तो यह दो पोस्ट के लिए उन्होंने 15 से भी ज़्यादा जगह इन्होंने निकाले। तो इसमें इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानते हैं, किस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये पूरा हम अभी डिस्कशन करते हैं। तो इसका क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, तो चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट ये देखेंगे आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं 10 सितंबर से उन्होंने ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और लास्ट डेट आपको 10 अक्टूबर है, यानी 10 अक्टूबर के पहले आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने राइटिंग स्किल और ऑनलाइन टेस्ट के बारे में उन्होंने बताया है। आप देख सकते हैं दिसंबर या जनवरी में आपको राइटिंग स्किल रहेगा, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे, तो लास्ट तक हमें बने रहिए आप। तो यहाँ पे उन्होंने दो पदों के लिए उन्होंने वैकेंसी आपने निकाली, आप देख सकते हैं वेलफेयर ऑफिसर के लिए एक जगह उन्होंने निकाली है, देन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 15 जगह निकाली है। तो दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे निकली, आप देख सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से ये वैकेंसी निकली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात करें जो वेलफेयर ऑफिसर के है, तो यहाँ पे उन्होंने डिग्री या तो फिर डिप्लोमा मांगा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एनी डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा भी हुआ होगा वेलफेयर ऑफिसर में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रह सकते हैं। और साथ में अगर आपको मिनिमम 2 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है रिलेटेड, जैसे कि इंडस्ट्री फैक्ट्री हो या फिर वेलफेयर ऑफिसर का, यानी आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन एचआर एग्जीक्यूटिव या आपका एमबीए हुआ होगा, आप भी यहाँ पे एलिजिबल रह सकते हैं। और वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी एमएसडब्ल्यू भी अगर आपने किया होगा, तो आपके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लिए जॉब करने के लिए। देन आपको मराठी लैंग्वेज मस्ट है, यानी आपको मराठी लैंग्वेज आना चाहिए, अगर आपको मराठी लैंग्वेज नहीं आती होंगी तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रह सकते, ठीक है। देन जो जूनियर ऑफिसर है यानी ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए उन्होंने जो एजुकेशन मांगा है, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, यानी एनी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन हो सकते हैं, यानी बीए बीकॉम या बीएससी में आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आप भी यहाँ के लिए एलिजिबल रह सकते हैं। आपका सिर्फ डिग्री जो 55% के साथ आपकी डिग्री कम्प्लीट होना चाहिए, देन आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपने एमएससीआईडी यानी कोई कोर्स किया होगा तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल रह सकते हैं। और साथ में आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश 40 और हिंदी 30 होना चाहिए, यानी आपका इंग्लिश 40 या इंग्लिश और हिंदी अगर 30-40 में हुआ होगा तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो इन्होंने वैकेंसी निकले है, जो कि रिजर्व कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो वेलफेयर ऑफिसर के लिए उन्होंने एक जगह निकला, तो वो ओपन कैटेगरी के लिए है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी यानी अगर कैटेगरी वाइज अगर नहीं करते तो ओपन जो ऊपर कैटेगरी में आते हैं तो वो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देन जो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट जो 15 उन्होंने जगह निकाले, वो ओबीसी के लिए 4 जगह निकाले, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो इकोनॉमिक विकल जो सेक्शन रहता है उनके लिए एक जगह, यानी ओपन कैटेगरी लिए 10 जगह है। अगर आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते। तो एज क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, यहाँ के एज के बारे में बात करें तो जो वेलफेयर ऑफिसर के लिए आप एज के 30 ईयर तक आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके उम्र 30 होंगी तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर
और जैसे अगर 30 के ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे उन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो आप 3 ईयर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 30+3 यानी 33 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन जो PWD यानी जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनके लिए, जनरल के लिए 10 ईयर है और OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स यानी 13 उम्र तक आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एक सर्विस मैन है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यानी यही डिपार्टमेंट में अगर कोई कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो वो कोई भी उम्र तक यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए वो 28 ईयर्स तक वो यहाँ के लिए अप्लाई रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 92 और 94 के पहले नहीं होना चाहिए और बाद में 2004 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, वो कहीं भी भर सकते हो, उम्र के 43 तक वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो आपका पे स्केल रहेगा वो जो वेल्पर ऑफिसर के लिए वो 29,740 से 1,03,000 इतना आपका पे स्केल रहेगा, जो कि वेल्पर ऑफिसर के लिए। और जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है उनके लिए 21,540 से 77,160 इतना आपका यहाँ पे पे स्केल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा खासा आपको पे स्केल यहाँ पे मिल रहा है, तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप तो अप्लाई करने के बाद आपका किस तरह से, तो हम उनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले तो किस तरह से वो एग्ज़ाम आपका रहेगा तो वो देखेंगे हम अभी। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एग्ज़ाम राइटिंग एग्ज़ाम देना है दोस्तों आपको। देन जो यहाँ पे जो वेलफेयर ऑफिसर के लिए ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, देन जो दूसरा है जो असिस्टेंट के लिए वो एग्ज़ाम देन प्लस आपको स्किल टेस्ट वहाँ पे देना पड़ेगा। जो वेलफेयर ऑफिसर है वो सिंगल देना, तो यहाँ पे उन्होंने देख सकते जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, तो वो जो प्रोफेशनल नॉलेज यानी जो वेलफेयर ऑफिसर के रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ये PF ESI क्या है, उसके बारे में 72 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे और जो क्वेश्चन मार्क्स है वो 1 मार्क्स के लिए आपको रहेंगे, बराबर। देख सकते हैं आप जो टोटल क्वेश्चन आपके 120 रहेंगे, आप देख सकते हैं उसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, जनरल एवरेंस के लिए 12 क्वेश्चन रहेंगे 12 मार्क्स के लिए, देन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 12 मार्क्स रहेंगे, दें लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 12 क्वेश्चन रहेंगे। आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन आपके 120 और जो मार्क्स रहेंगे वो 120 और मिनट भी आपको 120 दिया रहेगा, बराबर। यानी 2 घंटे का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मेन एंड अच्छी बात है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो गुड है आपको लिए, तो आप पूरा क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने निगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, तो आप अच्छे से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो और टाइमिंग भी उन्होंने अच्छा खासा दिया है, ठीक है दोस्तों। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे उन्होंने 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए उन्होंने रखा है, आप देख सकते हो, और 120 मिनट यानी 2 घंटे के लिए पेपर रहेगा आपका। तो यहाँ पर उन्होंने 5 सब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं जनरल एवरेंस यानी करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, देन लॉजिकल रीजनिंग के लिए 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन रहेंगे आपको, देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के लिए 40 मार्क्स रहेंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, देन कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन रहेगा, देन इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए उन्होंने 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन ऐसा आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, ठीक है दोस्तों। देन आप यहाँ पे क्वालिफाइड होने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, बराबर है। तो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे इंग्लिश हिंदी क्लिप यहाँ पर रहेगा, देन क्वालिफाइड होने के बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्वालिफाइड मार्क्स इन्होंने डिक्लेयर किया है, अगर आपको एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज अगर क्वालिफाइड होना है तो आपको जो जनरल कैटेगरी यानी EWS कैटेगरी वाले हैं उनको 55% आपको मार्क्स लेना है फर्स्ट स्टेज में, और जो OBC कैटेगरी वाले हैं उन्हें 50% मार्क्स फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाइड लेना है, ठीक है। अगर आप 50% अगर नहीं लेते हो फर्स्ट स्टेज में तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाइड नहीं हो सकते। तो दोस्तों आपको क्वालिफाइड मार्क्स लेना ही है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इतना तो ले सकते हैं, ठीक है।
पे ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आकर आपको ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे अप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सबसे पहले ये पूरा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कन्फर्म, पूरा ईमेल आईडी, ये सभी फिलअप करके नेक्स्ट करके आपका, देन यहाँ पे फ़ोटो डिटेल्स ये सभी आपको यहाँ पे फिलअप करते जाना है, ठीक है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पूरा फिलअप करिए और यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें।